हेलो दोस्तों, क्या हाल हैं आप सबके। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। और आज यूपी पीजीटी का मैथमेटिक्स का जो है वो पेपर हुआ है। पीजीटी के बाकी भी सब्जेक्ट के पेपर हुए हैं, और जैसा कि आपको पता है कि इसमें पेपर के जो हैं, मैं आपको हर बार पेपर दिखाता हूँ कि किस तरीके का पेपर आया है। तो अभी भी मैं आपको ये पूरा का पूरा पेपर दिखाऊंगा कि भले ही आपने पेपर दिया हो या छोड़ दिया हो, क्योंकि इस बार जो है पेपर देने वालों की परसेंटेज पिछली बार से जो है वो बहुत कम है, मैंने ये नोटिस करा है। और इसका मैं आपको डाटा जो है वो जल्द जल्द ही रिलीज़ होगा, मैं आपको वो भी बता दूंगा, क्योंकि काफ़ी सारे मेरे पे मैसेज आए, उन्होंने कहा कि हम तो गए नहीं देने के लिए। ठीक है, तो पेपर कैसा आया है और कैसा इसका पैटर्न है, इजी था, मॉडरेट था, हार्ड था, ये आप नोटिस कर सकते हो। मेरे हिसाब से जो पेपर का पैटर्न है वो 1 घंटे के हिसाब का, 2 घंटे के हिसाब का सॉरी नहीं है, मॉडरेट पेपर था। पेपर में ये नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा इजी था, इजी नहीं था। ठीक है, तो इजी तो नहीं बोला जाएगा इस पेपर को। मैं आपको पूरा का पूरा पहले तो पेपर दिखा देता हूँ कि ये पेपर किस तरीके का आया है, कि अगर आपने दिया भी है तो भी, और अगर नहीं भी दिया है तो भी आपको एक तरीका मिल जाएगा, एक अनुमान मिल जाएगा कि ये पेपर किस तरीके का हुआ है। ठीक है, तो चलिए पहले देख लेते हैं। तो देखिए, ये मैथमेटिक्स का जो है वो आज का पेपर है, सेक्शन डी है ये, यानी पेपर सेट की अगर हम बात करें, सेट डी है पेपर की अगर हम बात करें। तो इसमें 2 घंटे की टाइमिंग थी आपकी, और 425 जो है वो मैक्सिमम मार्क्स थे, मैक्सिमम मार्क्स इतने हैं 425। और इसमें अच्छी बात ये है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं थी आपके पास में, 10 मिनट का टाइम दिया गया था पढ़ने के लिए आपको, ठीक है, पेपर को, और नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं थी आपकी, तो अच्छी बात है। आप चाहते तो सारे भी अटेम्प्ट कर सकते थे, ऐसा कुछ उसमें आपके मार्क्स कटेंगे नहीं, लेकिन उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला। सच बात तो ये है, वो तो किस्मत की बात है, आपके सारे आपने अटेम्प्ट करे और सारे सही है, उस मतलब आप मेरिट में आगे, ऐसा नहीं होता। मेरिट में तो वही आते हैं जिन्होंने बढ़िया करा होता है ना, जिन्होंने मेहनत करी होती है और जिन्होंने सॉल्व करा होता है क्वेश्चन पेपर को। क्वेश्चन पेपर मैं आपको दिखा देता हूँ, पहले कॉम्प्लेक्स नंबर जो है ये A1 A2 AP में GP में दे रखे हैं, और आपसे ये एक्सप्रेशन इक्वल बोला है, और आपसे बोला गया है कि R की वैल्यू क्या होगी, कॉमन रेशियो की वैल्यू पूछी गई है, पॉसिबल वैल्यू इसमें आपको निकालना था। उसके बाद आपको एक फंक्शन दे रखा था, और यहाँ पे बोला गया था कि अगर ऑड नंबर डालते हैं तो फंक्शन की वैल्यू x+1 है, इवन नंबर डालते हैं तो x-1 है, ये फंक्शन कैसा होगा, 4 ऑप्शन आपको दे रखे थे, इसमें आपको बताना था। इसी के आगे मैं आगे का पेपर भी आपको दिखा देता हूँ, पूरा पेपर पढ़ के सुनाऊंगा तो ये बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, क्योंकि अभी हम आंसर की बात ही नहीं कर रहे हैं, अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ पेपर की, है ना। पेपर किस तरीके का आया था तो ये आप देख सकते हैं। उसके बाद एक सर्कल का क्वेश्चन था, है ना, दो सर्कल जब आपस में इंटरसेक्ट करते हैं, तो उसके बाद में आपसे कॉमन ये पूछा था कि आर की वैल्यू क्या होगी। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन ये पूछा गया था आपसे, डेरिवेटिव के बेसिस पे पूछा गया था, ठीक है, पॉइंट के बेसिस पे कि उसकी वैल्यू क्या आएगी। फिर हाइपरबोलिक फंक्शन के ऊपर एक क्वेश्चन बोला गया था कि इनमें से कौन सा ट्रू है, आपको सॉल्व करके दिखाना था इसका। ये तो बुक का ही क्वेश्चन है, अगर आपने 6th वाला क्वेश्चन पढ़ा होगा थोड़ा बहुत, ये तो बड़ी आराम से निकल जाता। इसका ऑप्शन नंबर 4 जो है वो इसका सॉरी ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर होता। वैसे मैं इसको अभी सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, फिर भी मैं आपको बता सकता हूँ ये ऐसे 4 की पावर n इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको जनरल सॉल्यूशन के बारे में पूछा गया था ये क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद 8th क्वेश्चन पूछा गया था आपको, एक ग्रुप थ्योरी का एक क्वेश्चन था, ठीक है, आपको एक कम्यूटेटिव ग्रुप दे रखा था, इन्वर्ट दे रखा था ए डैश उसका, और तो ए डैश की वैल्यू आपसे पूछी गई थी क्या होगा। उसके बाद एक और क्वेश्चन था, वो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का क्वेश्चन था, ठीक है, ओमेगा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है तो इसकी वैल्यू, एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। उसके बाद आपसे सिंगुलर मैट्रिक्स के बारे में क्वेश्चन दे रखा था, कि ये मैट्रिक्स का एक क्वेश्चन आया था। तो अगर हम बात करें पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर, वो कुछ इस तरीके का है, मैं आपको पूरा दिखा देता हूँ, पढ़ने में तो टाइम जाएगा, है ना, पढ़ने में टाइम जाएगा, तो पूरा का पूरा पेपर आपको दिखा देता हूँ। इसकी अगर आपको PDF चाहिए, मान लेते हैं आपको PDF चाहिए, आपको नहीं देखना ये पेपर अभी, मन भी नहीं करता, है ना, कभी कभार ऐसा कि वीडियो में क्या दिखा रहे हैं सर, है ना। तो अगर आपको PDF चाहिए तो कोई दिक्कत नहीं है, PDF मैं आपको हर बार प्रोवाइड करवाता हूँ, अभी भी प्रोवाइड करवा देता हूँ। आप क्या कर सकते हैं, ग्रुप में जा सकते हैं हमारे मैस्तान ऑफिशियल, उसको ज्वाइन करिए, आपको ज्वाइन करने के बाद जो है उसको PDF में वहीं पर ही आपको अपलोड कर दूंगा। तो ये PDF मोस्ट प्रोबेबली कल मैं आपको अपलोड करके दे दूंगा, कल ग्रुप में, और पॉसिबल चांसेस हैं कि कल ही इसकी आंसर की भी मैं आपको प्रोवाइड करवा दूं, क्योंकि अब तो रात हो गई है, तो कल जो है इसकी आंसर की भी आपको मिल जाएगी। यानी आप इसी चैनल पे बने रहिए, इसकी सबकी आंसर की बिल्कुल सटीक क्वेश्चन के साथ में आपको मिल जाएंगी कि इसका आंसर क्या आना चाहिए था हर क्वेश्चन का। जैसे 37 का मैंने ये देखा, और देखते ही मेरे को पता लग गया है BSC का क्वेश्चन है ना, तो इसका आंसर x²+y²+z² इस इक्वेशन का है, ठीक है, द इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर स्फीयर ऑफ द सेंटर सेंट्रल
कॉनिकॉइड की आपसे पूछी गई थी, ठीक है ना? तो ये पूरा का पूरा। नेक्स्ट आपको 38, 39, 40 ये पूरा का पूरा दे रखा है पेपर, आप देख सकते हैं। तो ये पूरा पेपर ऐसा आ रखा था, अगर आपको चाहिए तो एक काम कर सकते हैं आप, नीचे मैं ग्रुप का लिंक दे रहा हूँ, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है ना? डाउनलोड कर लेना और आपको जैसा भी लगेगा उस पेपर को आप देख के देख लेना। मेरे हिसाब से पेपर जो है वो इजी नहीं है, मॉडरेट है। और अगर आपने पेपर दिया है तो आप अपना स्कोर भी ज़रूर शेयर कर सकते हैं हमारे साथ में, ताकि हमारे को पता लगे कि आपका स्कोर जो है वो कितना आया है और पेपर आपके लिए कैसा था। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।